हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे बैक हुक ब्लाउज की साइड फिटिंग किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने जो साइड फिटिंग के वीडियोज बनाए थे वो मेरे फ्रंट ओपन वाले थे, और आज आपके लिए मैं बैक ओपन वाले ब्लाउज की साइड फिटिंग करने का बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा देखना और कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले आप ये ब्लाउज देख लीजिए, ये मैंने ब्लाउज सिलकर कंप्लीट कर लिया है, और देखो इसकी दोनों साइड की साइड फिटिंग करना अभी बाकी है। तो वो आपको किस तरीके से करनी है, तो देखो सबसे पहले हम ब्लाउज को इस तरीके से उल्टा करेंगे, इस तरीके से उल्टे पर ही हम साइड फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो ये तो सभी लोग मतलब अपने अपने स्टाइल से अलग अलग तरीके से लगाते हैं, लेकिन इसको मैं पहली सिलाई इसकी लगाऊंगी इस तरीके से, इसको सीधा करूंगी और ये जो साइड की सिलाई है इसको बराबर मिलाते हुए मैं इस पर दोनों साइड में एक सिलाई लगा दूंगी। और फिर सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है वो मैं सिलाई लगाने के बाद बताऊंगी। तो पहले मैं इस पर सिलाई लगा देती हूँ। सिलाई आपको एकदम सीधी लगानी है और बैक पार्ट को आपको हल्का सा बाहर की तरफ रखना है, यानी कि बड़ा रखना है बैक पार्ट को। और देखो ये जो आर्म होल की सिलाई होती है इसको आपको बिल्कुल सिलाई के ऊपर रखना है एक दूसरे को, देखो इस तरीके से, कोई भी सिलाई को इस तरीके से आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, ऐसे एकदम बराबर करते हुए सिलाई को आपको रखना है। ये जो यहाँ पर आप आस्तीन की सिलाई लगाते हैं, तो देखो आस्तीन की सिलाई आपको इस तरीके से कोई भी कॉर्नर छोटा या बड़ा नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम बराबर रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको सिलाई को लॉक कर देना है, और अगर आपका कपड़ा यहाँ से ज़्यादा एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो आपको उस कपड़े को कट करना है, अंदर की तरफ आपको मार्जिन बिल्कुल थोड़ा सा रखना है, ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं रखना है। देखो सभी जगह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है, और सेम इसी पैटर्न से दूसरी साइड में सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सिलाई लगाने से क्या है कि आपका ब्लाउज कितना भी हैवी है तो उस पर ओवरलॉक करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इससे क्या है, इसके जो धागे निकलते हैं वो धागे अंदर की तरफ छुप जाएंगे और वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो इसे मैं सीधा करके आपके लिए दिखाती हूँ। तो देखो इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगाई है और इसको मैंने अब उल्टा किया है, तो देखो बिल्कुल इसमें फिनिशिंग है, कोई भी धागा वगैरह कहीं पर नहीं निकला हुआ है। तो अब आपको दोनों साइड से इस तरीके से उल्टा कर लेना है, जल्दबाजी आपको कोई नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से आपको साइड फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है। तो देखो इस तरीके से आपको ब्लाउज को उल्टा करके रखना है, और इतना करने के बाद आपको देखो ये जो सिलाई लगी हुई है यहाँ से और यहाँ तक आपको पूरे कपड़े को नापना है कि आपका कपड़ा है ये कितना है। सेंटर इसका आपको दिख ही रहा है, आप सेंटर से भी यहाँ पे साइड फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं आपके लिए पूरे कपड़े को नापते हुए सिलाई लगाकर बताऊंगी कि आपको किस तरीके से साइड फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पूरे कपड़े को नापना है कि ये कपड़ा कितना है, और ये ब्लाउज हम कंप्लीट करेंगे 36 तो इसका सीना है और 32 इसकी पेटी है, इसके हिसाब से हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखो पहले आपको यहाँ से यहाँ तक पूरे कपड़े को इस तरीके से नापना है, और ये कपड़ा हमारा कितना आ रहा है 21 इंच। तो देखो यहाँ पे इसकी ये फिटिंग हो जाएगी 18 इंच पर, क्योंकि हम 18 दूना 36 होता है, तो ये इसकी फिटिंग की सिलाई हो जाएगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना कपड़ा बचा है, इसको आप इस तरीके से मेजर कर लें इस तरीके से। तो देखो ये कितना है 3 इंच, तो आपको 3 इंच को इस तरीके से फोल्ड करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका 1.5 इंच निकल के आया है, तो देखो 1.5 इंच का आपको यहाँ पर निशान लगाना है और 1.5 इंच का आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो देखो इस तरीके से ये इसके चेस्ट का साइज हो गया, यानी कि ये 36 साइज का है, तो मैंने मार्जिन दोनों साइड में बराबर बराबर छोड़ दिया है,
और अब आपको यहाँ से यहाँ तक इसे नाप कर देखना है कि आपका फिट आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये बिल्कुल फिट आ रहा है क्योंकि इसका सीना 36 इंच है, तो हमारा ये बिल्कुल फिट आ रहा है। अब आपको यहाँ पे पेटी का नाप करना है, तो इसी तरीके से आपको पेटी का नाप करना है। तो देखो इसे हम यहाँ से यहाँ तक नाप करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 19 इंच और इसकी पेटी है 32 इंच, तो हम यहाँ पे 16 इंच का निशान लगाएंगे और ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसका हम मेजर करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी 3 इंच आ रहा है, तो इधर भी हमें 1.5 इंच छोड़ना है और इधर भी हमें 1.5 इंच छोड़ना है। तो देखो ये मैंने पेटी का और इसके सीना का निशान लगा दिया और अब इसको आपको इस तरीके से ऐसे सीधा मिलाना है एकदम, और दूसरी साइड से भी आपको ऐसे ही मिलाना है और आपको यहाँ पे बाजू की मोहरी का नाप करना है कि आपकी बाजू की मोहरी कितनी है। तो देखो यहाँ पे इसकी मोहरी है 5.5 इंच, यानी कि इसकी पूरी गोलाई 11 इंच है, तो हम 11 का हाफ करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। तो इस तरीके से 5.5 का निशान लगा के और इस लाइन को इस तरीके से आपको सीधा करना है और दूसरी साइड में भी आपको सेम यही पैटर्न रखना है। और इसको भी आपको ऐसे सीधा करना है। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों साइड की मेरी जो ये फिटिंग की सिलाई है एकदम सीधी आने वाली है, कहीं से भी ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई है। तो आप इस तरीके से अपने बैक हुक ब्लाउज की साइड फिटिंग की पहले मतलब निशान लगा सकते हैं, उसके बाद आप इसकी सिलाई लगाएं। तो इसकी सिलाई लगा कर भी मैं आपके लिए बता देती हूँ। तो पहले ये वाली सिलाई लगाने से पहले मैं इसके ऊपर सिलाई लगा देती हूँ, क्योंकि इससे क्या है दोनों कपड़े हैं वो बराबर में इस तरीके से चिपक जाएंगे। आप चाहें तो सिलाई को यहाँ पे मोटे टांकों वाली भी कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा तो यहाँ पर सिलाई है वो कम चलेगी। तो इस तरीके से आप सिलाई को थोड़ा बड़े टांकों वाली कर लें। दोनों साइड में सेम इसी पैटर्न से सिलाई लगानी है। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ से कपड़े को एकदम बराबर करना है। बैक और फ्रंट में कोई भी साइड में यहाँ पे छोटे छोटे रिंकल्स नहीं पड़ने चाहिए। दोनों साइड से कपड़े को बराबर करके ये वाली सिलाई आपको लगानी है। और यहाँ से आपको सिलाई को लॉक करना है जिससे आपकी सिलाई है वो निकलेगी नहीं बार बार में। तो देखो यहाँ से मैंने सिलाई को लॉक कर दिया है। सेम इसी पैटर्न से दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई आपको लगानी है। तो फ्रेंड्स ये मेरे ब्लाउज की साइड फिटिंग की सिलाई है वो लगकर कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सीधा करके इसे दिखा देती हूँ। देखो इसमें ये बहुत ज़्यादा वर्क है तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो आर्म होल की सिलाई है वो आपको सही से नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड्स देखिए आप इसको इस तरीके से पकड़कर देखेंगे तो इसकी सिलाई एकदम सीधी है और देखो कहीं से भी इसमें झोल या फिर लूजिंग नहीं आ रही है। और देखो ये इसका बैक गला है और ये मेरे ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।